जय हिंद बच्चों, कैसे हैं सभी? अच्छे हैं। चलिए, आशा करता हूँ सभी आप लोग पढ़े लिख रहे होंगे, अच्छा से तैयारी कर रहे हैं अपना। चलिए, नाइन्थ क्लास में है ना, नाइन्थ क्लास का अध्याय दो ही चल रहा है अभी, बहुपद, जिसको अंग्रेजी में पॉलिनोमियल कहा जाता है। प्रश्नावली 2.5, प्रश्नावली क्या है? 2.5 है। तो 2.5 में क्या है, कहाँ तक बन गया था, आप लोग देखे होंगे, याद होगा। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो अपना पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो 6 तक हो गया था। 6 का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हो गया था। आज हम लोग 7 बनाएंगे। 7 सवाल क्या है, उपयुक्त सर्व समीकरण का प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, है ना, मतलब सर्व समीकरण का प्रयोग करके मान ज्ञात करना है। तो क्या सवाल है, 7 नंबर सवाल क्या है? 7 का पहला सवाल है, संख्या दिया हुआ है ना, दिया है 99 की क्यूब, दिया है 99 के क्यूब दिया है ना। तो इसको हम लोग किस तरह कर सकते हैं, इस फॉर्मूला का हम लोग कैसे बना सकते हैं? इसको हम लोग 100 - 1 कर सकते हैं, ध्यान दीजिए, 100 - 1 के क्यूब कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसको ए मान लीजिएगा, इसको बी मान लीजिएगा, तो क्या बनेगा, ए माइनस बी के क्यूब का फॉर्मूला बनेगा, है ना। तो क्या बनेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ia माइनस बी। आगे भी आप लोग पढ़े हैं इस फॉर्मूला को, तो याद होगा, देखे होंगे, समझे होंगे। चलिए, तो ए क्या है, ए है 100, बी है 1, है ना, क्यू। तो चलिए इसको बैठा देंगे, ए हो गया है 100, बी हो गया है 1, क्यू है 3, गुने ए है 100, है ना, बी है 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 - 100 - 1। चलिए, तो 3 बार गुना करेंगे, है ना, तो 2 2 4 6 का जुड़ होगा, 1 पर का जुड़ होगा, माने 100 - 100 - 100 - 1 - 1 - 1 हो गया। 3 7 3 से गुना करके क्या होगा, 300, और 300 में 1 से तो इतना ही आएगा। चलिए, 100 - 1, इसको ध्यान देखिए, मैंने संख्या दिया है, हमको सर्व संख्या प्रयोग करके बनाना है इसको। चलिए, इसमें कितना हो जाएगा, 1 पर 0, 2 4 6 0, कितना, 2 4 6, यहाँ कितना आएगा, तो 1 में 1 से गुना कितना आएगा, 1 ही आएगा। चलिए, 1 आया, 300 में गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, है ना, 3 एकम 3 0, 2 2 4 0, कितना हो जाएगा, 4 0, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, कितना हो जाएगा, 300 एकम 300। चलिए, तो प्लस में केवल यही आ रहा है, प्लस में केवल, और सब माइनस में है। अच्छा नहीं, प्लस में ये भी है, ये और ये, तो प्लस एक जाति वाला को एक तरफ करेंगे, है ना, 2 4 6 को गए, 2 4 6 प्लस 300 प्लस 300, ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, इन जुड़ाएगा चिन्ह माइनस का, तो कितना हो जाएगा, 4 0 है तो कितना हो जाएगा, 3 1 0 2 0 3 0, यहाँ पर 1 आ जाएगा। चलिए, इतना आया, है ना। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे, है ना, तो कितना हो जाएगा, 1 पर 2 3 0, यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3 है, फिर 2 0 तो आ जाएगा, फिर माइनस 3 0 0, इतना, है ना, कहीं ना ही सर, मतलब ये आ गया इतना। चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें से घटा देंगे, घटा के देखते हो कितना आता है ना, तो इसको, चलिए इतना आया, तो प्लस प्लस ला है, तो प्लस प्लस ला जोड़ लेंगे, है ना, प्लस प्लस ला, तो 10 लाख 300, इसमें कितना आ जाएगा, 30,000, है ना, 30,000। तो चलिए हम लोग घटाते हैं, कितना में से, 10 लाख, है ना, 300, 10 लाख 300 है, काई दहाई सैकड़ा हजार दशा लाख 10 लाख, है ना, इसमें से कितना घटाना है, 30,000 घटाना, कितना, 30,000 घटाना है ना, ध्यान दीजिए, 30,001 है, 30,000 कितना है, 30,001 है। चलिए, लिख देते हैं, अच्छा फिर यहाँ कितना है, 0 3, चलिए 10 में से गया 9, यहाँ कितना बचेगा, 9, और 2 के 2 बच जाएगा, अच्छा यहाँ पर 0 के 0 हो जाएगा, 10 में से 3 गया 7, यहाँ बच जाएगा 9, इतना पे कितना आया,
आगे हमारा कितना 97,299 इतना आ गया है ना, यानी 97,000 सॉरी इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस लाख 9,70,299 9,70,299 आया, ये आपका आंसर हो गया है ना, ध्यान दीजिए। चलिए तो इस तरह हम लोग बना लेंगे है ना। चलिए आगे सवाल चलते हम लोग।